भैया मैं यूट्यूबर हूँ, घूमने फिरने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अंग्रेज आते हैं कभी यहाँ पे? आते हैं अंग्रेज, अपनी फोटो खींच के ले जाते हैं आगे। ये देखो एंट्री में ही दारू पी रहे हैं बैठे हुए लोग। भाई साहब ये वाली कवर है इनकी, क्वेश्चन आ रहा है। तभी तो आ गया लेके बैठ के गाल फट गई। हां वीडियो में आ गए तो मत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको रोशन आरा का मकबरा दिखाने के लिए आया हूँ। रोशन आरा जो थी वो शाहजहाँ की दूसरी बेटी थी। चलिए आओ, चलिए आज आपको रोशन आरा का मकबरा दिखाते हैं। ये गेट नंबर 2 है जहाँ से मैंने एंट्री करी। चलिए दिखाता हूँ अंदर क्या है इसमें। ये देखो एंट्री में ही दारू पी रहे हैं बैठे हुए लोग। बुरी हालत दिख रही है मुझे लगी यहाँ की। अब अंदर देखें क्या सीन है, पता चले। भाई साहब ये वाली कवर है इनकी, रोशन आ रहा है। बस ऐसी मतलब पक्की नहीं है, ऐसी कच्ची है, पानी के अंदर जाके घसती नहीं है। ये है रोशन आरा की खबर। इस गार्डन को रोशन आरा बेगम ने 1650 ईस्वी में बनवाया था। ये गार्डन रोशन आरा बेगम ने अपने पिता मुग़ल एम्परर शाहजहाँ को गिफ्ट में दिया था। बाद में 1671 में उनकी डेथ हो गई रोशन आरा बेगम की, और फिर उनको यहीं दफना दिया गया। फिर 1922 में ब्रिटिश के टाइम पे इसको और ज़्यादा एरिया दिया गया, 22 एकड़। और फिर 1927 में रोशन आरा क्लब ग्राउंड का नाम दिया गया, और ये BCCI का शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी गार्डन से। तो बहुत बड़ा गार्डन है ये, और इसकी जो कैनाल है इसमें एक नहर है बीच में, उसके चारों तरफ फ्लावर्स लगे हुए थे, मगर अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं। मतलब कोई ध्यान नहीं रखना है इसका, सब गंदगी फैली हुई है, सब तरफ पानी भर रहा है, कोई सफाई का कुछ वो नहीं है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छा इसको टूरिस्ट प्लेस बना सकती है। गार्ड वगैरह रहता है।
भैया मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं होती तो पुरानी जगहों की। मुगल पीरियड का वो है, शहरों के शहर। आसपास के लोग यहाँ रेस्ट ज़्यादा करते हैं और एक दो लोग पूछने भी लगे उनको पता नहीं किसका क्यों वीडियो बना रहा है। कपड़ा तो अच्छा है मगर इसकी तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, और भी ज़्यादा खूबसूरत होता। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं दरिया खान का टॉम दिखाया, उसकी हालत बहुत अच्छी, उसकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उस पर ध्यान दिया हुआ है। किसी की बॉल आई है, मैं बॉल खेलता हूँ, देखो ये देखो डेंजरस लग रहा है, कुआं भर गया है, ये भर दिया है।
बताइए बताइए बता दीजिए, देखो आप दिख रहे हो ना इसमें। हाँ बताइए। और बातें गुम हो गई ना उड़ गई वो बात। नहीं अभी आप कह रहे थे यहाँ बहुत तरह के लोग आते हैं टूरिस्ट। बहुत तरह के ऐसे ऐसे घूमने फिरने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अंग्रेज आते हैं कभी यहाँ पे? आते हैं अंग्रेज, अपनी फोटो खींच के ले जाते हैं आगे। अच्छा, फोटो खींचते हैं ऐसे, खींच के ले आते हैं, इधर उधर खींच के ले आते हैं। अच्छा, घूमते फिरते रहते। तो वो जब आते हैं यहाँ अंग्रेज तो यहाँ पे ऐसे हालात देखते हैं, कुछ कहते हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं वो। अच्छा, और दूसरा भी कोई नहीं बोलेगा, वो अपना काम करते हैं सीधा, फोटो वोटो खींचकर। हाँ, उन्हें तो अपना वो दिखाना है। मगर ये है कि पूरी दुनिया में दिखता है फिर वो जो चीज़ हो रही है। तो मैंने भी कुछ ऐसे समझा आपको, पुरानी इमारतें वगैरह है जगह पर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसी बात के लिए मैं थोड़ा उठा था। अरे थोड़ा मेरा बच्चा ये भी। चलो आप लगे रहो, सुनो मेरे बात, है ना? काटो इसको, काटो। तो दोस्तों ये था वो रोशन आरा का मकबरा। अभी अगर इसको गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छे से इसका इसको टूरिस्ट प्लेस बना सकती है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी ये हालत ऐसी है, वरना जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगे। बाकी जैसे ये जो पुरातत्व विभाग वालों का है, अगर उस पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा। जो बीच में काफ़ी नहर बनी हुई थी, यहाँ कभी नहर बनी होगी, अभी जो पूरा ये हो रहा है ना, तो ये कभी पानी बह रहता होगा इसके अंदर। अभी देखो बुरी बुरी हालत हुई पड़ी है, ये इसका पानी जो है सीधा इसमें आता होगा हौज में, है ना? तो अभी कंडीशन ख़राब है इसकी। बहरहाल है बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा मेरा वीडियो? इसी तरह के वीडियो मैं दिल्ली की जितनी भी अच्छी जगह बढ़िया जगहें हैं, पुरानी मशहूर जगह हैं, उन्हीं को मैं दिखाता हूं अपने वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए तरह तरह की वीडियो बना दिखाऊँगा मैं। शुक्रिया।